थोड़ा सा, और मैं पढ़ा इसके बारे में, मैं एक जगह से फिर कैंचुए लेके आया थोड़े से, तो मुझे इस चीज़ की सही से जानकारी नहीं थी कि क्या चीज़, क्या तापमान होना चाहिए, कैसे गोबर को तैयार करना है, तो वो कैंचुए मर गए। तो मैंने फिर उसके बारे में और पता चला, मैं बहुत सारी साइट्स मैंने विज़िट करी, जो लोग इस चीज़ के अंदर पहले से ही हैं उनसे मैंने बात करी, तो उसके बारे में मुझे जानकारी मिली। फिर धीरे धीरे मैंने और कैंचुए लेकर आया, और मैंने एक बेड लगाया, एक से दो हुए, दो से चार लगाए। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सफ़र में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं देवांशी ऑर्गेनिक्स यूनिट पर। वर्मी कंपोस्ट की एक यूनिट है जहाँ पे सर अपनी नौकरी के साथ साथ ही अपना एक कार्य कर रहे हैं कंपोस्ट का। तो सर से एक बार मिलेंगे, उनसे बात करेंगे कि उन्होंने ये सफ़र कैसे अपना स्टार्ट किया। आइए सर से मिलते हैं। तो आइए सर से हम बात करते हैं एक बार। सर जो सामने से भाई लोग देख रहे हैं, एक बार आप अपना छोटा सा परिचय दे दीजिए। जी नमस्कार, मेरा नाम दीपक है, दीपक त्यागी। मैं गांव कनौजा, जिला गाजियाबाद का रहने वाला हूं, और मैं देवांशी ऑर्गेनिक्स के नाम से वर्मी कंपोस्ट की छोटी सी यूनिट चलाता हूं। सर बहुत बहुत धन्यवाद। सर मुझे एक बात बताइए सर, ये आपने अपनी शुरुआत कैसे की इस कार्य की, और कितना आपको समय हो गया इस कार्य को करते करते? देखिए, मैं अगर अपने प्रोफेशन की बात करूं तो फुल टाइम प्रोफेशनल मैं एक प्राइवेट कंपनी में, सॉफ्टवेयर कंपनी में एचआर में हूँ। पर जब कोरोना की वजह से लॉकडाउन शुरू हुआ था, तो लॉकडाउन में मुझे इस चीज़ का ख्याल आया कि नहीं, मुझे कुछ अच्छा करना चाहिए जिसकी वजह से हम कुछ सही कर सकें। तो मेरे दिमाग में यही आया कि हाँ, गोबर है जो गांव में इजीली अवेलेबल है, तो इसी से हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो मैंने गोबर लिया थोड़ा सा, और मैं पढ़ा इसके बारे में, मैं एक जगह से फिर कैंचुए लेके आया थोड़े से, तो मुझे इस चीज़ की सही से जानकारी नहीं थी कि क्या चीज़, क्या तापमान होना चाहिए, कैसे गोबर को तैयार करना है, तो वो कैंचुए मर गए। तो मैंने फिर उसके बारे में और पता चला, मैं बहुत सारी साइट्स मैंने विज़िट करी, जो लोग इस चीज़ के अंदर पहले से ही हैं उनसे मैंने बात करी, तो उसके बारे में मुझे जानकारी मिली। फिर धीरे धीरे मैंने और कैंचुए लेकर आया, और मैंने एक बेड लगाया, एक से दो हुए, दो से चार लगाए, और आज मेरे लगभग आप देख सकते हैं जैसे ही ये 22 बेड की मेरी ये यूनिट है जो मैं चला रहा हूँ। से हमने बात करी सर से, जाना कि उन्होंने कैसे इसकी शुरुआत करी और कितने साल से काम कर रहे हैं, साथ में नौकरी के साथ साथ कैसे ये बिज़नेस को स्टार्ट कर रहे हैं। तो सर ने हमें बताया, अब हम सर से जानेंगे कि पूरा प्रोसेस क्या है इसका, मतलब कि लेके कच्चे गोबर से लेके पूरा खाद बनने तक के, तैयार होने तक का पूरा प्रोसेस क्या है। तो सर पूरा इसे एक बार प्रोसेस हमें बता दीजिए सर। जी देखिए, इसमें जो होता है, आप शुरुआत होती है इसकी, मैं बताता हूँ। जब मैंने पहली बार शुरू करा था, तो मैंने हमारे गाय भैंस हैं उनका गोबर लिया और उसको ऐसे ही फैला दिया, फैला के उसमें ला के मैंने कैंचुए डाल दिए। अब मैंने देखा कि 2-3 दिन तक वो कैंचुए अंदर ही नहीं गए, तीसरे दिन मैंने देखा वो तो मर गए कैंचुए। अब मैं परेशान कि ये कैंचुए मर कैसे गए, तो फिर मैंने उसके बारे में थोड़ी सी और पढ़ाई शुरू करी, मैंने देखा और इस पूरे प्रोसेस को गहराई से समझने की कोशिश करी। तो इसका प्रोसेस जो शुरू होता है, ये ऐसे होता है कि आपने गोबर ले लिया, गोबर को लेके आपको फैलाना पड़ता है, फैला के उसमें आपको पानी मारना पड़ता है, पानी मारने के बाद में उसको आपकी टर्निंग करनी पड़ती है, उसको काटना पड़ता है, और काटने के बाद में वो गोबर फिर तैयार होता है बेड लगाने के लिए। ठीक है, अब आप मुझसे पूछने की ये शायद समझना चाहेंगे कि हमें उसमें पानी क्यों मारना है या हमें उसे काटना क्यों है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जब आप गोबर देखेंगे, गोबर लेंगे, तो आपको उसमें से बदबू आती है, इसी वजह से हम सब लोग गोबर से बचते हैं। तो उसका मेन कारण है गोबर के अंदर उपस्थित मीथेन गैस। अब ये मीथेन गैस काफ़ी हानिकारक होती है, तो इसकी वजह से इसमें बदबू भी होती है और गोबर काफ़ी गर्म भी होता है। तो हम जो उसमें पानी मारना है और काटना है, उसका यही कारण है कि ताकि उसमें से वो बदबू निकल जाए और वो गर्मी निकल जाए। एक बार ये दोनों चीज़ निकल जाती हैं, तो वो बेड बनाने के लिए एक फेवरेबल सिचुएशन होती है। मतलब सर जैसे अगर कच्चा गोबर आया, तो सबसे पहले उसे फैलाना होगा, उसके बाद उस जी पर पानी मार के उसे कटाई करनी होगी जिससे उसकी बदबू निकल जाए। बदबू निकल जाए, ठीक है सर। उसके बाद का प्रोसेस क्या है सर? उसके बाद मतलब अगर वो एक बार तैयार हो गया, कच्चा गोबर हमने तैयार कर दिया, उसके बाद कैसे उसका आगे का क्या प्रोसेस है सर? देखिए, जैसे मैं आपको अपनी ये यूनिट में दिखा देता हूँ, ये जो बेड हमने लगा रखे हैं, ये इस प्रोसेस होता है, ये इस तरीके से लगाना होता है कि ये लगभग 3 से 4 फीट की यहाँ से लेके यहाँ तक की चौड़ाई होती है इसकी।
ये 3 से 4 फीट होती है, ऊंचाई आपको इसकी 1 से 1.5 फीट रखनी होती है, और लंबाई आप अपनी जगह के हिसाब से रख सकते हैं। मेरे जो ये बेड हैं लगभग ये 20 फीट के आसपास के हैं, तो आप इसे 10 फीट भी रख सकते हैं, 5 फीट भी लंबाई रख सकते हैं, इसे 30-40 फीट भी रख सकते हैं, पर इसको सही से काटने के लिए इसमें सही से, ताकि आने जाने का रास्ता सही रहे, तो मेरे ख्याल से 20 से 25 फीट इसमें सही है। तो एक बार हम इसके बेड लगा लेते हैं, बेड लगाने के बाद में हम फिर केंचुआ लेते हैं और फिर हम इसके ऊपर हल्का हल्का सा केंचुआ डालते हैं। और जो केंचुआ इसमें डाला जाता है वो डाला जाता है, अब जैसे हमारा ये 20 फीट का बेड है तो 1 फीट पे 1 किलो केंचुआ इसमें डाला जाता है। अब आपने केंचुआ डाल दिया और जैसे ही आप वहाँ से शुरुआत करेंगे केंचुआ डालने की, यहाँ तक आएंगे तो आप फिर वापस से देखेंगे वहाँ का केंचुआ अंदर जा चुका है। कब? जब इसके अंदर बदबू नहीं है और इसके अंदर गर्मी नहीं है, तो ये केंचुआ इसके अंदर चला जाएगा। आप इस पर ये हमने मुंजी की पराली, चावलों की पराली इस पर ढक रखी है, इसको ढक के इसमें आपको पानी मारना है। तो ये इसकी यहाँ तक की एक साइकिल होती है। अब उसके बाद क्या होता है कि अभी जैसे सर्दियों का मौसम है, फिर गर्मियाँ आएंगी, तो दोनों ही मौसमों में पानी डालने की परिस्थिति, पानी डालने की जो ड्यूरेशन होती है वो अलग अलग होती है। गर्मियों के अंदर आपको क्या करना होता है, गर्मियों के अंदर आपको हर रोज़ पानी डालना है, चाहे सुबह डाल दीजिए या शाम को मार दीजिए पानी, ताकि जो गर्मी की वजह से इसके अंदर गर्मी बन जाती है वो इसकी गर्मी निकल जाए। उसके बाद फिर आता है सर्दी का मौसम। सर्दी के मौसम में हम रोज़ रोज़ पानी नहीं मार सकते, क्योंकि सूरज इतना अच्छा नहीं निकलता है कि ताकि वो पानी इवापोरेट हो सके या निकल सके। तो सर्दियों के अंदर हम जनरली कोशिश करते हैं 3 से 4 दिन के अंदर हम एक बार इसमें पूरा इसको पानी मारते हैं, पाइप से हल्का छिड़काव इसमें कर देते हैं। तो उसके बाद ये हमने कर दिया, अब आप उसके बाद देखेंगे उसको पानी मार दीजिए तो आप लगभग 20 से 25 दिन के बाद जब आप उसको ऐसे हटा के देखेंगे तो लगभग आप पाएंगे कि ऊपर की लेयर में ऐसा खाद ये बनना शुरू हो जाता है। तो जब बन जाएगा ये खाद तो आप उसको फिर ऊपर से उतार लीजिए। तो क्या होता है कि जब आप उसे ऊपर बना हुआ खाद उतार लेंगे तो फिर नीचे कच्चा गोबर रहता है, तो फिर केंचुआ उसको खाना शुरू कर देता है। तो इस तरीके से ये इसमें बन जाता है। और जहाँ वक्त की बात है तो गर्मियों के अंदर, गर्मियों में क्योंकि हवा भी अच्छी रहती है, मौसम भी काफ़ी गर्म रह जाता है, तो गर्मियों में लगभग हमारा 45 से 60 दिन के अंदर एक पूरा बेड बन के तैयार हो जाता है। जो कि अगर सर्दियों की हम बात करें तो सर्दियों में ये लगभग 70 से 75 और मान के चलिए मतलब 2.5 से 3 महीने के अंदर ये लग जाता है, क्योंकि सर्दियों के अंदर केंचुआ सुस्त हो जाता है थोड़ा, उसकी प्रजनन क्षमता बढ़ जाती है, तो वो थोड़ा कम खाता है खाद, गोबर कम खाता है, तो उसमें लगभग 3 महीने लग जाते हैं इसको। सर जैसे आपने बताया कि मतलब अगर एक बेड बन गया तो ऊपर से वो 30 दिन में बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है सर? जैसे 30 दिन में आपने बोला हल्का आप ऊपर से उतार सकते हैं जी, तो उतारने के बाद वो नीचे से खाना स्टार्ट करता है। अगर सर मैं ये चाहूँ कि मेरा पूरा बेड बनने के बाद ही मैं उतारूँ, मैं थोड़ा थोड़ा करके ना उतारूँ, पूरा बेड एक साथ तैयार हो जाए उसके बाद उतारूँ, तो उसका क्या प्रोसेस है सर? जी उसमें भी कोई ज़्यादा बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, तो आप उसमें ये कर सकते हैं कि हाँ आप पानी मार सकते, पानी की जो आपकी नॉर्मल रूटीन चल रहा है उसके उस रूटीन को रखिए, और जब आपको इंतज़ार कीजिए, देखते रहिए, उसमें हाथ मारते रहिए, उसको थोड़ा उल्टी पलटी करते रहिए, तो 1 महीने में जो साइकिल शुरू होगी धीरे धीरे ऊपर वाली परत की बननी, तो आप इंतज़ार करिए, आप उसको उतारिए मत। तो बस ये है कि हाँ उसको थोड़ा उल्ट पलट करते रहिए। हमारा जो मेन मकसद होता है कि ऊपर से बना और हमने वो उतार लिया, वो इसलिए होता है कि ताकि वो उतर जाए तो नीचे फिर हवा जा सके, इसलिए हम करते हैं। पर अगर आप चाहते हैं कि नहीं आपका पूरा बेड इकट्ठा बन जाए और आप उसको तब उतारें, तो उसके लिए मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप उसको फावड़े से उल्ट पलट करवाते रहिए, ताकि केंचों को हवा लगती रहे, मिलती रहे, और पूरे बेड में हवा का एयर सर्कुलेशन बना रहे, तो नीचे भी हवा जाएगी। तो उससे क्या हो जाएगा कि आपका लगभग जो पूरा बेड नॉर्मल उसमें 60 दिन ले रहा था, तो लगभग 50 दिन के अंदर आप उल्ट पलट अगर उसमें करवाते रहेंगे तो आपको 50 दिन के अंदर वो पूरा बेड
बन जाएगा। जैसा कि सर ने हमें बताया कि कैसे कच्चे गोबर से लेके बिल्कुल मतलब तैयार तक का पूरा प्रोसेस बताया, उसके बाद हम सर से एक बार ये बेड की एक बार देखते हैं कि कैसे कच्चा बेड एक कैसा है और बना हुआ कैसे हमें दिखता है। तो आइए एक बार सर हमें बेड दिखा दीजिए कि कैसे आप मतलब तैयार कर रहे हैं कच्चा और पका हुआ कैसा बेड। जी बिल्कुल, आइए देखिए। ये जो है हमारा बना हुआ बेड है और ये देख सकते हैं आप, ये गोबर बिल्कुल खाद इसकी बन गई है। और अगर हम आपको दिखाएं, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये केंचुआ, ये देखिए ये छोटे छोटे केंचुए हैं, क्योंकि सर्दियों में इसकी प्रजनन क्षमता बढ़ जाती है, तो सर्दियों में आपको जो है इसके अंदर छोटे छोटे केंचुए ज़्यादा मिलेंगे। ये देखिए ये पूरा का पूरा बना हुआ है ये, और इसको इंग्लिश में ब्लैक डायमंड भी बोला जाता है, क्योंकि देखिए आप ये बिल्कुल काला हो गया है और जैसे चाय पत्ती जैसा हो गया है। और ये देखा आप देख सकते हैं कि ये अंडा है केंचुए का, बिल्कुल हरा मटर जैसा है ये रहा, ये ऐसा अंडा है। ये फिर एक अंडा फूटता है, इसके अंदर से काफ़ी सारे केंचुए के बच्चे निकल जाते हैं। तो ये देखिए ये पूरा ये बना हुआ है, ये रहा, ये रहे केंचुए। तो ये लाल कलर का केंचुआ होता है जिसे, इस केंचुए का क्या नाम होता है सर, क्या इसे कौन सा केंचुआ बोलते हैं? क्योंकि हमने केंचुए कई तरीके के देखे हैं, हमारे जैसे खेतों में भी हम देखते हैं वाइट कलर के केंचुए होते हैं जी, ये कुछ रेडिश है, तो इसका क्या नाम है सर केंचुए का? जी देखिए, जो हम देसी भाषा में अगर बोलें इसे या नॉर्मल समझने की कोशिश करें तो ये ऑस्ट्रेलियन प्रजाति का केंचुआ है, जिसका साइंटिफिक नेम आइसेनिया फेटिडा होता है। ये देखिए बिल्कुल लाल सुरख रंग का होता है ये। ठीक है सर, एक बार हमें ना आप एक बार वो बेड भी दिखाइए जो अभी तैयार नहीं हुआ है, अभी आपने कुछ दिन पहले स्टार्ट किया और लगाया है, तो एक बार उस बेड का भी आप हमें थोड़ा सा बताइए। जी जी जी, देखिए ये अभी ज़्यादा पुराना बेड नहीं है और ये कच्चा गोबर है, ये रहा। इसके अंदर भी केंचुए हैं, जो देखिए ये कितने सारे सर्दियों की वजह से ये अंडे दे रखे हैं, तो ये धीरे धीरे अंडों में से केंचुए बच्चे निकलेंगे और ये इसके अंदर भी बहुत सारे केंचुए हो जाएंगे। ये रहे, ये हमने इसके अंदर केंचुए डाल रखे हैं, ये देखिए ये रहे। तो ये अभी ताज़ा ही लगा हुआ बेड है, ये कच्चा गोबर है ये। सर एक बार इसे ज़रा बीच में से भी हमें मतलब थोड़ा आगे से दिखाइए कि मतलब कैसा है ये, जैसे साइड से दिख नहीं पा रहा सही से सर। ये देखिए ये रहा। हाँ ये जैसे सर दिख रहा है, दिखने में थोड़ा कच्चा सा लग रहा है सर। जी 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 जी, ये देखिए ये रहे केंचुए कितने सारे, काफी अच्छी मात्रा में इसके अंदर केंचुए हैं। ये रहे। मतलब ये असर आपने कितने दिन पहले लगाया है मतलब बेड? ये लगभग हमारा 10 से 15 दिन पुराना बेड है। मतलब इसकी सर अगर एक लेयर तैयार करनी हो तो मतलब 15-20 दिन में ऊपर वाली लेयर? 15-20 दिन तो मैं नहीं कहूँगा, हाँ हमें कम से कम 20 से 25 दिन इंतज़ार करना पड़ेगा, और ये इसी तरीके से रहना चाहिए, पानी इस पे लगता रहना चाहिए, और 20 दिन के आसपास इसकी जो पहली लेयर ऊपर होती है लगभग 1-1.5 इंच की, वो तैयार हो जाती है। जैसा कि सर मैं ये देख पा रहा हूँ कि आपने मतलब सारे बेड प्रॉपर तरीके से ढक रखे हैं, तो मतलब इसका ढकने का भी कुछ है कि मतलब इतना तरीके से ढकना है या मतलब नॉर्मली थोड़ा सा ढकना है कैसे? जी हाँ, इसका एक तरीका ये है कि सर्दियों के अंदर क्योंकि ठंड होती है बाहर, तो आप थोड़ी मोटी परत ढक सकते हैं ताकि अंदर एक थोड़ा वातावरण अनुकूल बन जाए, ज़्यादा ठंड ना रहे, तो हल्की सी मोटी परत भी चल जाती है। पर गर्मियों के अंदर क्योंकि पहले ही उसके अंदर इतनी गर्मी बनी रहती है, तो हम हल्की परत, बहुत ही हल्की हल्की परत इस पे लगाते हैं, जिससे सिर्फ ये पूरी तरह से कवर हो जाए। सर एक बार ना आप हमें एक बेड पर थोड़ा सा मतलब जो व्यूअर्स हैं वो देखना चाहते हैं कि भाई कैसे खाद उतरता है, तो थोड़ा सा हमें एक बार उतारने का प्रोसेस और थोड़ा सा छानने का प्रोसेस और बता दीजिए सर। जी अगर करके दिखा देंगे तो बहुत बढ़िया होगा सर। जी अभी देखिए, क्योंकि अभी मेरे पास लेबर है नहीं यहाँ पे, वो छुट्टी पे है अभी आज 1-2 दिन के लिए किसी पर्सनल काम की वजह से, तो हमारे पास ये 2 बेड जो हैं ये पूरे के पूरे बने हुए रखे हैं, तो मैं इसमें आपको एक नॉर्मल समझा देता हूँ कि ये कैसे बनेगा। ये उधर चलते हैं। ठीक है सर। ये जो बेड है ये पूरे के पूरे बने हुए हैं, ये हमने
जैसे भाई साहब ने पूछा था पहले कि अगर हमें लेयर बाय लेयर ना उतार के पूरा का पूरा बेड तैयार चाहिए, मैंने बताया था कि वो हमें बार बार काटना पड़ेगा थोड़ा, ताकि उसके अंदर प्रॉपर एरेशन बना रहे। तो ये जो दो बेड आप देख रहे हैं, इन दोनों में इसी तरीके से ये बनाया हुआ है। तो इसमें आप देखिए बिल्कुल नीचे तक कितना भुरभुरा हुआ रखा है, ये पूरा का पूरा ये बने हुए हैं। तो इसके बाद जब ये बन जाती है तो इसकी प्रक्रिया सिर्फ यही होती है कि इसको आपको उतार के, अभी हमारी इतनी बड़ी यूनिट नहीं है कि हमने बहुत बड़ी मशीन लगा लें उसको छानने की, तो अभी हमने बड़े छन्ने ले रखे हैं, तो बड़े छन्ने में हम डालते हैं इसको, डाल के इसके बाद हम इसको छान लेते हैं और छान के इसके बाद फिर हम इसकी पैकिंग कर देते हैं। तो सर ये पैकिंग जो आप कर रहे हैं, मतलब पैकिंग 50 किलो के कट्टे में ही कर रहे हैं या कुछ अलग से पैकिंग के लिए आपने कुछ अलग से कर रखा है? जी हमारी एक तो 1 किलो की पैकिंग है, एक 5 किलो की पैकिंग है, और फिर हमारी 40 और 50 किलो के कट्टे की पैकिंग भी है। तो सर जो 1 किलो और 5 किलो की पैकिंग है, सर एक बार हमें जरा आप दिखाइए सर वो कैसी पैकिंग आप मतलब कर रहे हैं जी, तो जी, क्या जी। कॉस्ट उसमें आ रही है सर पिनी पैकिंग वगैरह की आपकी? सर ये हमारी 1 किलो की पैकिंग है और ये हमारी 5 किलो की पैकिंग है, और हमारी ये जो है नीम कोटेड है, और नीम कोटेड पैकिंग है हमारी। हम इसके अंदर जब खाद बन जाता है उसके बाद हम इसके अंदर नीम के जो पानी होता है, नीम का उबला हुआ पानी होता है, उसका हम इसके ऊपर बहुत अच्छा स्प्रे करते हैं ताकि इसके अंदर नीम के गुण आ जाएं और इसके अंदर जो कीटाणु, इसकी कीटनाशक क्षमता है वो बढ़ जाए। मतलब सर ये इसका मतलब मेन मोटिव क्या होता है सर स्प्रे करने का? मैंने देखा नॉर्मली बहुत यूनिट में मैंने देखा है कि किसी ने भी अभी तक ऐसा स्प्रे वगैरह का कुछ ऐसा कुछ बताया नहीं कि नीम से स्प्रे कर रहे हैं, तो उसका मोटिव क्या होता है सर स्प्रे करने का? जी इसके अंदर ये होता है कि अब चलिए हम जैसे गाँव में हैं तो हमें पता होता है, किसान को इन चीज़ों का पता होता है कि भाई हमने नीम का स्प्रे कर दिया तो कीट मर जाएंगे। पर जब हमारे, क्योंकि ये 1 किलो के 5 किलो के पैकेट हैं, ये शहर में जाते हैं लोग इन्हें अपने गमलों के अंदर डालते हैं, तो उन लोगों के पास इतना टाइम भी नहीं होता और उनको इतनी जानकारी भी नहीं होती कि कीड़े हटाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। और कई बार ऐसा होता है मिट्टी के अंदर बहुत ऐसी बीमार कीट होते हैं जो नीचे से पेड़ की जड़ें खा लेते हैं, तो उसमें ये काफ़ी कारगर साबित होता है कि ये खुद में एक कंप्लीट डाइट भी है और इसके अंदर जब नीम के गुण आ जाते हैं तो काफ़ी सारी जो मिट्टी से जुड़ी बीमारियाँ हैं ये उनको ख़त्म कर देता है सर। तो जैसे सर आपने हमें बता दिया पूरा प्रोसेस कैसे आप मतलब पूरा तैयार कर रहे हैं वर्मी कंपोस्ट, साथ में आप पैकेजिंग में करके आप इसे सेल कर रहे हैं, तो ये सर पूरा प्रोसेस है इसका, इसके अलग भी या कुछ और प्रोसेस है कुछ जो ऐसा रह गया है कि आप नहीं बताया, हमें कुछ ऐसा लगा कि हम नहीं पूछ पाए? जी मेरे ख्याल से मैंने तो लगभग सभी कुछ इसमें जानकारी दे दी हैं, बाकी कुछ और अगर हमें बाद में ध्यान आता है या कुछ भी आता है तो हम फिर से आपके माध्यम से दर्शकों तक अपनी बात कह देंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी धन्यवाद। कि सर ने हमें पूरा प्रोसेस बताया वर्मी कंपोस्ट का, पूरा प्रोसेस उन्होंने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बताया, लेकिन हम आने वाली वीडियो में आपको पूरा एक एक चीज़ें मतलब करके जैसे सर कर रहे हैं, हम आने वाली वीडियो में आपको बताएंगे कि सर कैसे कच्चा गोबर कहाँ से ला रहे हैं, कैसे गोबर डाल रहे हैं, उसके बाद कैसे वो कटाई कर रहे हैं, उसके बाद कैसे बेड लगा रहे हैं, हम पूरा प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाएंगे आने वाले। तो जैसे ही आएगी वीडियो अगली हम आपको पूरा प्रोसेस इसका दिखाएंगे, साथ में इसकी बिजनेस की भी बात करेंगे कि कैसे सर सेल कर रहे हैं और इससे कितना मुनाफा कमा रहे हैं सर, और आने वाले मतलब जितने भी फ्रेंड्स हैं हमारे, भाई हैं जो इसे देख रहे हैं वीडियो को, कि कैसे वो इस पर अगर अपना काम करना चाह रहे हैं नौकरी के साथ साथ, क्योंकि बहुत कम ऐसे काम होते हैं कि नौकरी के साथ आप कर सकते हो, तो इसके बारे में पूरा प्रोसेस की पूरी जानकारी देंगे, साथ में ही आपको पूरे बिजनेस की जानकारी देंगे, पैकेजिंग वगैरह की भी आपको जानकारी देंगे कहाँ से सर पैकेजिंग बना रहे हैं और कैसे सर ने इसकी पूरी कंपनी वगैरह पूरी यूनिट तैयार करी है और कितना मुनाफा सर इससे कमा रहे हैं, पूरी हम आपको जानकारी अगली वाली वीडियो में देंगे। अगर आपका कोई सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर सर से आपको कोई भी जानकारी लेनी है तो मैं सर का नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप सर से भी डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, सर से बात कर सकते हैं कुछ भी जानकारी लेनी हो तो। वीडियो को देखने के लिए बहुत, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।